फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक का रायता। पालक का रायता बनाने के लिए मैंने ये आधा कप दही लिया है। इसको मैंने अच्छे से फेंट के लिया है। ये इतना ही गाढ़ा चाहिए हमें। अब हम इसमें 1 टीस्पून शक्कर मिलाएंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर घुलने तक। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अनार के दाने डालेंगे। आधा कप बारीक कटा हुआ पालक डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। 7-8 करी पत्ते, 2-3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे। तड़का हमारा तैयार है। अब हम इसे रायते पर डालेंगे। तड़के को रायते पे डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पालक का टेस्टी हेल्दी रायता बनके तैयार है। एकदम झटपट होने वाली ये रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।